हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डाइकिन का कमीशनिंग आपको दिखाएंगे। जो डाइकिन में एक फीचर है ऑटो गैस चार्जिंग, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे और डाइकिन की जो मशीन है उसके बारे में पूरी आपको डिटेल के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। ये सिस्टम जो है अभी ऑलमोस्ट रेडी है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम हमने कर चुके हैं, वैक्यूम ऑलरेडी डन है। इसमें अभी हमको खाली एयर चेक करना बाकी है और ऑटो गैस चार्जिंग करके और टॉप अप करके फिर इसको ऑन करेंगे सिस्टम को। ये गैस सिलेंडर है हमारा 410 का। और ये आप देख रहे हो, इसमें हमारी मशीन की सप्लाई ऑन है तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अभी इसको डीपी स्विच को उठाएंगे। डीपी स्विच का जो काम है वो मास्टर आउटडोर बनाने के लिए है। अगर आपके एक से दो मल्टीपल आउटडोर हैं या दो से छः हैं, 10 हैं, 12, 50 जितने भी हैं, तो वो सारे आउटडोर में एक आउटडोर को मास्टर आउटडोर आपको बनाना रहेगा। तो अगर आपका सिंगल आउटडोर है तो भी इस डीपी स्विच को दस उठाना बार पड़ता दबाई, है एक अगर दो मशीन को आपको तीन ऑपरेट करना है चार तो। पाँच छः सात आठ नौ 10। रिटर्न एक बार, कितनी मशीन है? मशीन आ गई ना। अब आप इसमें डीपी स्विच उठाने के बाद में इसको आप अपने बंद कर इंडोर देना। सर्च करते हैं कि कितनी मशीन का इंडोर आया था, हमने मैंने इंस्टॉल पहुँचा कर दिया रखी दस हैं दस और बार। यहाँ इसमें आउटडोर पे कितनी दिखा रहा है। तो टोटल हमारी 6 इंडोर कैसेट टाइप हमने इंस्टॉल कर रखी हैं जो कि 6 इसमें दिखा रहा है। तो कम्युनिकेशन ओके है। फैन इसका ऑपरेट हो चुका है, अभी कंप्रेसर ऑन नहीं है, टेस्टिंग में नहीं डाला है हमने अभी। ये इन्वर्टर पीसीबी है, मेन पीसीबी पीछे आपके पीछे आप देख रहे हो वीडियो में, वो पीछे लगी हुई है, एक छोटी पीसीबी ऊपर लगी हुई है। आउटडोर में अभी जो ईयर जो हो रहा है चेक वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। अभी इसमें हमारा ऑटो गैस चार्जिंग के लिए इसमें शो करेगा। इसमें नॉर्मल जो बत्ती है वो स्लो ब्लिंक होगी, इसका मतलब है कि आप अभी ऑटो गैस चार्जिंग कर सकते हो। MNC कंपनी है, उसमें हमने ये मशीन इंस्टॉल की है अभी। काम जो है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है और जो मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके कंपैरिजन में क्वालिटी के साथ। इसमें एयर कंडीशन में हमने फ्रेश एयर भी साथ में जोड़ा है। ये देख लो आप, इसमें गैस चार्जिंग ऑटोमेटिकली जा रही है। स्पीड भी आप देख रहे हो गैस की, काफ़ी अच्छे से जल्दी जा रही है। बाकी जो मौसम जो अभी हो रहा है बाहर का वो लगभग 30 डिग्री के पे आसपास है, सर्दी का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप मैनुअली गैस डालते हो तो। बट ऑटो गैस चार्जिंग में काफ़ी जल्दी अपना काम हो जाता है। डाइकिन का ये जो फीचर्स है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा ऑटो चार्जिंग का, जिसमें आपको कुछ भी नहीं देखना होता। बाकी और कंपनियों में आपको प्रॉपर गैस मैनुअली डालना पड़ता है कि कितना गैस लेगा लेंथ के हिसाब से। हाँ, अगर आपको क्लाइंट्स को इसका गैस का पैसा अलग से लेना है तो आपको इसका वेट करना रहेगा कि आपने कितना केजी का सिलेंडर लेके आए थे, कितना आपको बचा है आपके पास। तो जो डिफरेंस होगा वो आपका वेट हो जाएगा, उससे आप क्लाइंट से पैसा ले सकते हो। और आपको पैसा नहीं लेना क्लाइंट से गैस का तो फिर आप नॉर्मली ऐसे भी डाल सकते हो। ये 3 फेज की सप्लाई आपके सामने हमने कनेक्ट कर रखी है कलर कोड के हिसाब से और वोल्टेज हमने चेक किए हैं। जितनी गैस इसको रिक्वायर्ड रहेगी वो ऑटोमेटिकली ये आउटडोर अपने आप ले लेगा, जितनी भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। जाएगा
रखा हुआ, बंद कर दें तो ऐसा तो चालसी 10-15 मिनट चालसी 10-15 मिनट यार नहीं ज़्यादा होता है ना बोल रहा हूँ। नीचे कुछ बाल्टी दे आ रही है अभी हम गैस का प्रेशर चेक करते हैं कि कितना गैस का प्रेशर इसमें हो चुका है। तो गैस का प्रेशर चेक करने के बाद में मशीन को हम ऑन करेंगे।